दूसरी जानी वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबे का बजट पेश करना आईनी हक था, हमारा बजट बेहतरीन है। वफाकी वजीर इत्तला अता तारड़ बोले, 6-7 घंटे साथ बैठे थे, अली अमीन गंडापुर से खुशगवार अंदाज में बातचीत हुई। मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी, वो उसमें बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ, और साहब जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी। ये पंजाब हुकूमत का तो पहले ये काम नहीं है, और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर जी कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर सारे एजेंडे हम भी डाल सकते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और हालात की वजह से हमें जानी माली नुकसान भी हुआ है, तो के पॉसिबल नहीं है, तो इस बजट में उसको शामिल ना किया जाए, तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ। अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI हमारे लिए सबसे पहले है। उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा, बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं सारे जैली केसेस, आपको पता है ऐसा ऐसा उनमें हर चीज सामने आती जा रही है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे, और हमारा भी बोला है हम भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। चारों सूबों के वज़ीरे आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल तावुन की भी यकीन दहानी कराई। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ़ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम तावुन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियां भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ का कहना था, मईशत के अशारिये मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं।